तबाही की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है, जब केदारनाथ में भारी विनाश हुआ, बद्रीनाथ का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन भी मुश्किल लगने लगे थे। तो 50-50 टन के पत्थर आए थे और पूरा केदारनाथ बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा मतलब कि इसको कैसी हजारों की संख्या में दे दे। लेकिन हर प्रलय के बाद पुनर्निर्माण होता है, फिर चार धाम में तो खुद ईश्वर की कृपा बसती है। रास्तों के फिर बनने के बाद इस साल फिर शुरू हुई चार धाम यात्रा। 6 महीने तक चलनी थी यात्रा, लेकिन रुकावटों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। गुरुवार को खराब मौसम से रुक गई केदारनाथ यात्रा। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से रुकी हुई है यात्रा। लेकिन केंद्र का चार धाम प्लान सफल हुआ तो भविष्य में नहीं आएंगी रुकावटें। शिव भक्त मोदी का चार धाम प्लान। चार धाम यात्रा हमेशा के लिए हो जाएगी आसान। विज्ञान की मदद से दुर्गम रास्ते का होगा उद्धार। 12 महीने तक चार धाम यात्रा चलेगी लगातार। देखिए मोदी सरकार विज्ञान के चमत्कार से कैसे बनाएगी मोक्ष का हाईवे। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव। देवभूमि में स्थित चार धाम के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन 2013 की तबाही के बाद से ये दर्शन मुश्किल होते जा रहे हैं। हालांकि त्रासदी में बर्बाद हुई सड़कों की मरम्मत के बाद चार धाम यात्रा फिर होने लगी है, लेकिन बारिश आते ही हालात खराब हो जाते हैं। दरअसल चार धाम के रास्ते पर कच्चे पहाड़ों से होने वाले भूस्खलन का खतरा बना रहता है। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब ऐसी जगहों से नए रास्ते, बायपास और फ्लाईओवर निकाले जाएं जहां आधुनिक तकनीक से पहले ही इत्मीनान कर लिया गया हो कि वहां भूस्खलन का खतरा न के बराबर है। जी हां, तब 12 महीनों चालू रहने वाला वो रास्ता बन जाएगा मोक्ष का हाईवे। इक्कीस अप्रैल को शुरू हुई चार धाम यात्रा, खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। चौबीस अप्रैल को खुले केदारनाथ के कपाट। छब्बीस अप्रैल को खुले बद्रीनाथ के द्वार। 6 अप्रैल में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में चार धाम यात्रा शुरू हुई। 6 महीने तक चलनी है यात्रा, यानी अगस्त सितंबर तक निर्बाध चलनी थी चार धाम यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उम्मीद जताई थी कि चार धाम यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होगी। मैं लोगों को, यात्रियों को शुभकामना देने के लिए आया हूं और माँ यमुना के चरणों में प्रणाम करने के लिए आया हूं और सबका जन सहयोग आमंत्रित करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये यात्राएं जन सहयोग से ही सफल होंगी। मगर चारधाम यात्रा शुरू हुए बमुश्किल 2 महीने ही हुए कि सड़कों पर बाधा से निर्बाध यात्रा की उम्मीदें धुंधली पड़ गई। जगह जगह बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने भी भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी है। असर भी दिख रहा है, बद्रीनाथ हाईवे में भूस्खलन से यात्रा रुक गई है। गुरुवार को रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा रुक गई। सूत्रों के मुताबिक हालात नहीं सुधरे तो यात्रा रोकी भी जा सकती है, क्योंकि 2013 की तबाही आज भी डराती है। हालांकि 2013 जैसे हालात कभी कभी ही आते हैं, लेकिन सड़कों का हाल इस बार भी डरा रहा है। बरसात के शुरू होते ही जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्लाइडिंग जोन सक्रिय होने लगे हैं और लूज बोल्डर सड़कों पर गिरने लगे हैं। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरह से अस्थिर चट्टानों के बीच से होकर सड़क गुजरती है और हल्की सी बारिश होने पर यहां पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू होता है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को गंभीरता से लिया जाए, स्लाइडिंग जोनों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए। चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह सड़क में गड्ढे और भूस्खलन से होने वाले मलबे बिखरे पड़े हैं, लिहाजा ये शक जताया जाने लगा है कि क्या सचमुच 6 महीने तक चल पाएगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा की इन्हीं मुश्किलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे 6 महीने ही नहीं 12 मास हो सकेगी निर्बाध चारधाम यात्रा।
वाकई आश्चर्य की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी चार धाम की यात्रा करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। साल दर साल श्रद्धालुओं को मौसम की मार झेलनी पड़ी। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक शुरुआत की है और अगर सरकार का इरादा मजबूत रहा तो 2 साल के भीतर ही चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान हो जाएगी। चार धाम यात्रा को 12-मासी बनाने की ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें नई तकनीक की मदद से यात्रा मार्ग ऐसा बना दिया जाएगा कि बारिश और भूस्खलन जैसी मुश्किलें मोक्ष के हाईवे में आड़े नहीं आएंगी। इस योजना के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय ने विदेश से मंगाई अत्याधुनिक तकनीक से पूरे इलाके की भौगोलिक मैपिंग कराई है। विज्ञान की इस नई तकनीक को लीडार मैपिंग कहते हैं, जिसे विदेश से मंगवाया गया है। रिमोट सेंसिंग समेत कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने वाली लिडार मैपिंग के तहत चारधाम यात्रा मार्ग में मिट्टी खिसकने और पहाड़ धंसने वाले इलाकों की खास मैपिंग हुई है। मैपिंग का पूरा काम होने के बाद केंद्र सरकार ने डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट को दशहरे में शुरू करने की योजना है। भूस्खलन के खतरे वाले रास्तों पर सड़कें नहीं बनेंगी, नए अलाइनमेंट और नए रास्तों का निर्माण होगा, नए पुलों का भी निर्माण होगा, यानी सड़क निर्माण के पुराने तौर तरीके अब बीते जमाने की बात हो जाएंगे। नई तकनीक से तैयार होगी ऐसी सड़क जिसका बहुत सा हिस्सा एकदम नया होगा। 889 किलोमीटर सड़कें, लागत 11,500 करोड़ रुपए, लक्ष्य सिर्फ 2 साल का। उत्तराखंड की त्रासदी ने केंद्र सरकार को इतना जरूर सिखा दिया है कि अगर चार धाम की यात्रा आसान हो गई तो सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं सरकार को भी खासा फायदा होगा। खास बात यह है कि दशहरे से शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट पर पूरा का पूरा खर्च केंद्र सरकार यानी सड़क परिवहन मंत्रालय उठाएगा। कुछ इलाकों में राज्य सरकार और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी सड़क बनाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बड़े शिव भक्त हैं। केदारनाथ में आई तबाही के बाद से वो यात्रा को आसान बनाने के लिए खुद निजी दिलचस्पी ले रहे थे। यही वजह है कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इस योजना की पल-पल की निगरानी कर रहे हैं, ताकि दशहरे तक जमीनी स्तर पर हर हाल में काम शुरू हो जाए। रिपोर्ट के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और हर साल की तरह इस साल भी चारधाम यात्रा धूमधाम से शुरू हुई थी, लेकिन बारिश के बाद बने ताजा हालात में इसके आगे जारी रहने पर आशंकाओं के बादल हैं। दरअसल जरा सी बारिश के बाद जगह जगह हुए जलभराव, भूस्खलन और मलबे से मोक्ष का मौजूदा हाईवे से चारों धामों के दर्शन मुश्किल हो गए। सवाल यह है कि बारिश होते ही ये समस्या क्यों खड़ी हो जाती है और मोक्ष के नए हाईवे में इस समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मोक्ष की यात्रा मानी जाती है। देश के हर हिस्से से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आस्था की सालाना यात्रा की वजह से मोक्ष के हाईवे को दुरुस्त रखने और यात्रा को तय वक्त पर शुरू करने का भारी दबाव होता है। केदारनाथ की यात्रा जब शुरू हुई थी तो बर्फ पिघली नहीं थी, बर्फ काटकर केदारनाथ तक का रास्ता बनाया गया, लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ तक भक्तों को पैदल ही जाना पड़ा था। बद्री धाम तक पहुंचने का ये मार्ग एक ग्लेशियर को काट कर खोला गया। यहाँ पे स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई है। 2013 से पहले बहुत बुरी विकट स्थितियाँ थी, मगर अब शासन प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है यहाँ पे और सड़कें भी काफी अच्छी हो गई है। बेशक प्रशासन ने अपनी तरफ से जैसे तैसे फौरी इंतजाम करके चार धाम यात्रा शुरू करा दी थी। सड़कों को दुरुस्त कर यात्रा आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही बादल छाए तैयारियों की पोल खुलते देर नहीं लगी। थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा होने लगा और अब हालात ये है कि गाड़ी या किसी हल्के वाहन से भी चारधाम की यात्रा निरापद नहीं रह गई। भूस्खलन और जलभराव से श्रद्धालु डर डर कर यात्रा करने पर मजबूर है। जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए भी मतलब के रोड पूरा सही होना चाहिए। रोड में खड्डे हैं और कई जगह बरसात लग रही है तो पत्थर डिग रहे हैं। प्रशासन ये सड़क ठीक बना दे तो बढ़िया रहेगी। किस तरीके से यहाँ पे दिक्कत शाम होता नहीं रहा, कई कई जगह ना पत्थर गिर रहा है, गाड़ी डबल पास नहीं हो रही। मौजूदा हालात के बाद से ये सवाल अहम हो गया है कि चार धाम यात्रा को 12-मासी बनाने की केंद्र की योजना किस तरह से सफल होगी, जबकि 2013 की त्रासदी के बाद तबाह हुई सड़कों की मरम्मत का काम अभी चल ही रहा है। 2013 की त्रासदी में उत्तराखंड में 2162 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी। अब तक चार धाम की सड़कों की मरम्मत का जिम्मा
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास था, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से चारधाम की सड़कों की जिम्मेदारी बंट गई। अब बद्रीनाथ गंगोत्री की सड़कों का जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जबकि केदारनाथ यमुनोत्री की सड़कों का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है। पूरे यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में 200 करोड़ के टेंडर जारी किए थे ताकि रोड को दुरुस्त रखा जा सके। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन्स है, वहाँ पर ट्रीटमेंट हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से भी इनिशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट नेशनल हाईवे भी उसमें कई जगह ट्रीटमेंट इनिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे पॉइंट्स पे तो हम लोग अपना जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ले लेंगे। लेकिन तमाम दावों के बावजूद सड़कों का क्या हाल है ये भी देख लीजिए। ये गंगोत्री हाईवे की तस्वीरें हैं जो थोड़ी सी बारिश के बाद ही लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुकी है। दरअसल उत्तराखंड के ज्यादातर मार्गों की यही समस्या है कि वहाँ लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पुराने रास्ते को दुरुस्त करने, उसे नए रास्तों से जोड़कर चारधाम यात्रा का नया रास्ता खोलने का फैसला किया है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग आधारित लिडार तकनीक के जरिए उन जगहों की खास तौर से पहचान की जा रही है जहां पर जमीन कच्ची नहीं है और जहां लैंडस्लाइड का खतरा कम से कम होगा। इसी आधार पर सड़क परिवहन मंत्रालय दावा कर रहा है कि नई सड़क बारिश के मौसम में होने वाले भूस्खलन से महफूज रहेगी और 12 महीने खुला रहेगा मोक्ष का हाईवे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं चारधाम के उस रास्ते की जिसकी योजना केंद्र सरकार ने तैयार की है। इस योजना में पुराने रास्ते में ही नए रास्ते, पुलों और फ्लाईओवरों को जोड़ा जाएगा ताकि तैयार हो सके मोक्ष का नया हाईवे। चारधाम के रास्ते को मोक्ष का हाईवे इसलिए माना जाता है क्योंकि चारधाम के दर्शन के साथ अनेक मोक्ष कथाएं जुड़ी हुई हैं। क्या है इन पौराणिक मोक्ष कथाओं का रहस्य, आइए यही जानते हैं। चारधाम यात्रा को पौराणिक कथाओं में स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है, इसीलिए भक्त चारधाम तक ले जाने वाले यात्रा मार्ग को मोक्ष का हाईवे मानते हैं। इस हाईवे से गुजरते हुए पहला पड़ाव देवभूमि के बांदरपूछ पर्वत के पश्चिमी छोर पर मौजूद यमुनोत्री धाम का है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ यमुना मृत्यु के देवता यमराज की बहन है, जो श्रद्धालु अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री के दर्शन करते हैं उन्हें यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। नहीं कबार मापनौती किता स्नान मिहा दिव्या यमलोके न गच्छन्ते सपस्य स परम पदम, ऐसा कहते हैं। एक बार भी जो यमुना जी में स्नान करता है यमलोक जाना नहीं पड़ता, उनके लिए परम पद की प्राप्ति होता है। मोक्ष के हाईवे पर अगला पड़ाव है ग्रेनाइट पत्थरों से बना 20 फुट ऊंचा गंगोत्री धाम, जो उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि गंगोत्री धाम में ही भगीरथ ने तपस्या की थी, जिसके बाद माँ गंगा शिवजी की जटाओं से निकलकर धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा की एक बूंद भी मोक्ष दिला देती है। मोक्ष के हाईवे पर अगला धाम है रुद्रप्रयाग में स्थित शिव के सबसे ऊंचे धामों में से एक केदारनाथ। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो कि असल में एक अनगढ़ पत्थर है। कहते हैं केदारनाथ को सबसे पहले पांडवों ने बनवाया। 8वीं शताब्दी में वहीं पर आदि शंकराचार्य ने नए मंदिर का निर्माण कराया। केदारनाथ तीन तरफ से पहाड़ और ग्लेशियर से घिरा है। 16 जून 2013 को मंदिर से कुछ दूर पहाड़ों में स्थित चोराबरी ग्लेशियर के किनारे टूटने से यहाँ भारी तबाही आई थी। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ के ऊपर, आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी दिव्य शिला है जिसको हजारों आदमी मिलकर भी उसको हटा नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। उस दिव्य शिला ने भगवान केदारनाथ मंदिर की रक्षा किया। शिव के इस धाम का भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ से अनोखा रिश्ता है। शंकराचार्य द्वारा बनाए गए प्राचीन चार धाम यानी दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में भी सबसे प्राचीन माना जाता है बद्री धाम। कहते हैं इसकी स्थापना सतयुग में हुई थी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा किया, 1000 कमल रोज भगवान शिव को चढ़ा देते, ब्रह्म कमल। भगवान शिव ने एक बार उसमें से एक कमल चुरा लिया और कमल चुराने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं भगवान शिव को कमल नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, अगर पूजा से उठ करके जाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का एक अंग होता है जिसको हम कमल कहते हैं, भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र कमल निकाल करके और भगवान शिव जी को अर्पण किया।
तप की इस कथा की वजह से माना जाता है कि बद्र विशाल के दर्शन केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ही करने चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो भी बद्रीनाथ का जल पी लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए देवभूमि में चार धाम की यात्रा कर लेने भर से सभी धामों के दर्शन के बराबर मोक्ष मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।